दोस्तों आपसे यार स्वागत करते शेयर पे। तो फ्रेंड मैंने एक शेयर को सिलेक्ट किया आप लोगों को लिए, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और इसमें प्रॉफिट किया जाए कैसे। तो अभी वो शेयर को मैं क्यों यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा रीज़न है। मैं चाहता तो और आगे भी कर सकता था बॉटम में, बट नहीं, मैं करता हूँ तब जब फुल कन्फर्मेशन के साथ मेरे को आता है। तो शेयर का नाम शायद आप लोगों को पता होगा, सन फार्मा। तो सन फार्मा एक मेडिसिन कंपनी, आप सभी को पता है, मेडिसिन सप्लाई प्रोवाइड करती है, ब्रांडेड है, लोकल है नहीं, ये कंपनी डूबने वाली है नहीं। तो आइए हम लोग इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे? RSI के जरिए, प्राइस एक्शन पैटर्न के जरिए हम लोग एनालाइज करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट वो कहाँ जा सकता है और क्या स्टॉप लॉस रखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ क्या मैं बताऊँगा, मैं कैसे ये आइडेंटिफाई किया और आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी मैं बताऊँगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करूँगा फुल, आपको बताऊंगा, कहीं इधर उधर की कोई बात नहीं, एकदम परफेक्ट। गूगल में गया, गूगल में जाकर मैंने क्या किया, सन फार्मा शेयर प्राइस लिखा, बस ये देखिए सन फार्मा शेयर प्राइस लिखा, ऑटोमेटिक सन फार्मा का जो आ गया, अभी 919 रुपये चल रहा है और लगभग ये सितंबर में 11% अपनी रिटर्न दिए और टुडे 1.22%, मतलब इंड जो अंतिम जो इसका ओपन था वो अपना हाई इसका 1.22% लगाई है। क्यों? मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है फिर भी सन फार्मा उठ रही है, इसका मतलब क्या है, सन फार्मा इज़ अ गुड शेयर राइट टाइम। तो विकिपीडिया में भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी पुरानी कंपनी है। तो हम लोग आइए देखते हैं क्या है, रेवेन्यू कितना, 10.76 करोड़, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, नेट इनकम कितना 2.6, डिल्यूट EPS 8.6 एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ अ ग्रेट। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब दे दा के जो बचा 19.15%, बहुत अच्छा है, 20.87%, सब अप है। सबसे पहले आप देखिए सब ग्रीन जोन में, कुछ भी रेड नहीं है, कुछ भी रेड नहीं क्वार्टरली रिजल्ट में। इसका मतलब क्या कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो ग्रेट, वो अपर लेवल का है। तो अब हम लोग चलेंगे सन फार्मा की शेयर को चार्ट में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मंथली में देखेंगे, तो हम लोगों मंथली में एनालाइज किया और RSI भी हमारा बतला रहा है कि ये मंथली में 60 के ऊपर, ये देखिए 60 के ऊपर, यहाँ ये जब 600 रुपये प्राइस थी तो फिर RSI ने इंडिकेट कर दिया था कि ये 60 के ऊपर, अब 60 में कंसोलिडेट कर रही है दो महीने से, इसका मतलब अब मार्केट गिरेगी नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक गिर चुकी थी ऑलरेडी RSI के अनुसार, और अब वो 60 को ब्रेक कर रही है। तो देखिए मार्केट ने रियल में वहाँ से ही 600 रुपये से ही ब्रेक अप किया और अभी उसका प्राइस 1000 रुपये लगभग समथिंग चल रहा है, यानी कि 400 रुपये ज़्यादा। अभी भी देखिए RSI 60 है, आप लोग ये ना समझिए कि 60 पर है तो ये ओवरबोट होगा, नहीं फ्रेंड ऐसा कुछ ऐसा ना समझे, आपकी मिस्टेक होगी बहुत बड़ी। और अभी ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा हाई वॉल्यूम नहीं जो सेल हुआ हो, मतलब हाई वॉल्यूम का मतलब ये देखिए यहाँ पर देखिए एक बहुत हाई वॉल्यूम है और टॉप पर बना, यानी कि सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ वहाँ से डाउन, यहाँ भी देखिए सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ देन डाउन। अब यहाँ पर देखिए बॉटम में क्या हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ने बुलिश कैंडल क्रिएट किया, मतलब बॉटम में मतलब बाई एंड टॉप में मतलब सेल, ये बाई हुआ, ठीक। इस तरह का कोई भी यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा, ना ही कोई वॉल्यूम देख पा रहे, वॉल्यूम लो है, इसका मतलब ना यहाँ पर अभी सेल हो रहा है ना कुछ, ओनली बाइंग प्रेशर क्रिएट है, मार्केट अप हो रही है मंथली में, ये एक गुड साइन है। आइए हम लोग मंथली में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और आप लोगों को बता दूं ये एक प्राइस एक्शन पैटर्न, ये देखिए एक प्राइस एक्शन पैटर्न, ये ऐसा ये कप पैटर्न, कप पैटर्न क्या होता है, हम लोग गूगल करके हम आए आपको दिखा देना चाहूँ, चलिए गूगल करता हूँ। ये देखिए कप पैटर्न, ये मैंने लिखा कप पैटर्न PAPT, ये देखिए कप पैटर्न, ठीक है। हम लोग गूगल करके आपको पूरा लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ, कुछ इधर उधर की नहीं, ये देखिए ये कप पैटर्न, ये देखिए आपके सामने कितने सारे दिख रहे, ये अपर कप है, ये देखिए ये कप, ये देख रहे ये ऐसे आकर ऐसे, कभी कभी कप में इस तरह के हैंडल भी बनते हैं, कप विद हैंडल बोलते हैं, बट कभी कभी हैंडल ना बने तो भी आप फाइनल समझिए कप, ये देखिए यहाँ पर देख रहे ये कप पैटर्न, कप पैटर्न बनकर थोड़ा मार्केट वहाँ पर साइडवेज हो जाती है, देन मार्केट कप पैटर्न को ब्रेक करती है, मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और मार्केट एक नई हाई बनाती है। तो सन फार्मा जो शेयर है वो अपनी उसी पॉइंट में पहुँच गई, देखिए कुछ ही समय बाद 1000 रुपये में जब पहुंचेगी तो अपना कप पैटर्न को ये ब्रेकआउट देगी और ब्रेकआउट टाइम आप कंफर्म हो जाइए कि एक नया हाई बनाने को चल पड़ी है शेयर, एकदम नया हाई बनेगा, वो चाहे 1200 का हो, 1500 का हो, 1600 का, कोई टारगेट नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगा। जब कप पैटर्न ब्रेक होगा तो मैं अभी बता सकता हूँ कि कितना का टारगेट आपको मिल सकता है, कप कितना का है डीप,
उतना डीप हाई, जितना कप का डीप उतना कप का हाई, जहाँ से ब्रेक की वहाँ से कप की डीप की हाई, वो हो गया फर्स्ट टारगेट। जैसे कि हम लोग चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि इस कप पैटर्न को ब्रेकआउट में, ये कप पैटर्न आपको यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है 1000 रुपये में। चलिए हम लोग कर लेते हैं, पहले इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग ड्रॉ करें, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए, हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये देखिए, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जब यहाँ पर आकर ब्रेक करेगी ना मार्केट, तो ये फाइनली कप पैटर्न होगा, ठीक। और उसका कप पैटर्न के नीचे जो ये इस टाइप की आप 100 रुपये का ऐसे लेकर चल सकते हैं। और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्टिंग है। मंथली में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि RSI 60 को हम लोग वीकली में देखेंगे, वीकली, ठीक है। तो हम लोग वीकली चलिए RSI देखते हैं। बहुत चीज़ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब वीकली देखेंगे। ये रहा वीकली, वीकली क्या बता रहा है RSI? वीकली ये बता रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। किस टाइप की ट्रेंड लाइन, तो आइए हम लोग देखते हैं। ये देखिए, मैं कुछ आपको सिखाता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, यहाँ पर आपको सीखने वाली चीज़ है, ये ट्रेंड लाइन मैं ये लिया और यहाँ पर देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ठीक। देखिए इस ट्रेंड लाइन को मार्केट बार बार फॉलो कर रही है, ठीक है। ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रैटेजी भी यहाँ इंप्लीमेंट हो रही है मार्केट में, और कोई ऐसा वॉल्यूम भी नहीं है जिससे ये क्रिएट हो कि मार्केट अब गिरे। देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक की, बट ब्रेक टाइम में इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट को ब्रेक नहीं की, मतलब इसको ब्रेक नहीं की मतलब मार्केट गिरने वाली नहीं है। फिर अपना एक नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ से मार्केट में। ये देखिए यहाँ से ड्रॉ हो गया नया ट्रेंड लाइन। ये देखिए, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करी 100% मार्केट, 100% देख लीजिएगा मेरा एनालिसिस परफेक्ट है कि नहीं जाकर। और उसके बाद देखिए मार्केट अब ये बता रही है कि ये 40 का सपोर्ट ली, 60 गई, फिर मार्केट देखिए डब्लू पैटर्न क्रिएट किया RSI में, और अब ये 60 के नियर बाय 60 है, अब 60 ब्रेक करने वाली वीकली में, मतलब कि ये गुड साइन है। मार्केट 60 को जब जब ब्रेक करती है मंथली में, तो वीकली एंड डेली में एक बूम सा रॉकेट सा यानी कि एक मूवमेंट आता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो देखिए हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि एक ट्रेंड लाइन एंड सेकेंड ट्रेंड लाइन अब मार्केट ने क्रिएट किया, अब इसको फॉलो करने वाली है, ठीक। और वॉल्यूम भी ऐसा कुछ है नहीं वीकली में जो गिरेगी मार्केट, लो वॉल्यूम है। और ये 100% है कि जब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो मार्केट बुलिश ही रहने वाली, क्योंकि इसका जो लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम के बाद मार्केट बुलिश ही रहती। कभी भी आप लो इस टाइप की वॉल्यूम देखो, चलो हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, हमने कर दिया। इस टाइप की वॉल्यूम को देखने के बाद आप देखिए जितनी बार बनी है उसके बाद मार्केट बुलिश ही रहती है। जितनी बार मार्केट बनी है, देखिए जितनी बार मार्केट इस टाइप की वॉल्यूम बनी है, इस हाई में वॉल्यूम है कोई क्या, देखिए तो ये देखिए यहाँ पर है एकदम सेम। देखिए मार्केट बुलिश थी यानी कि ग्रीन में क्लोज हुई नेक्स्ट डे, उसके बाद भी ग्रीन में, इसका मतलब ये हाई हो गया तभी रेड में क्लोज हो गया। फिर उस हाइट में कोई है क्या, देखो तो ये सब उससे बड़ा, ये देखो ये एक उसके हाइट में, तो उसका नेक्स्ट डे देखिए ये रेड में ग्रीन में क्लोज हुआ ना। अब फिर कोई हाइट में है कि, ये देखो ये एक फिर मिला सेम हाइट का, मैं दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए एक ग्रीन में क्लोज हुआ, इसका मतलब ये इस कल जब मार्केट ओपन होगा ये भी ग्रीन में होगा। तो आप आग बंद कर पैसे लगा सकते हैं, 950 का टारगेट अचीव कर सकते हैं ईजीली, अभी 920 है। तो हम लोग वीकली, अब हम लोग डेली में एनालाइज करेंगे। मैं जो बहुत ही डीप नॉलेज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये चलिए अब हम लोग डेली एनालाइज करते हैं। ये रहा ये डेली में मार्केट क्या बता रहा है, ग्रेट साइन। डेली में मार्केट क्या बता रही वो देखिए, डेली में मार्केट बता रही नियर बाई कप पैटर्न को पहुंच चुकी है। साथ ही साथ मैंने क्या बोला, वो एक नया ट्रेंड लाइन फॉलो करी है, देखिए नया ट्रेंड लाइन फॉलो करी डेली में भी, वीकली में भी नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है, मंथली में भी कप पैटर्न क्रिएट हुआ है, अब डेली में देखिए एक नया ट्रेंड लाइन फॉलो करी। मैंने तो वीकली में किया था, बट डेली में भी ये फॉलो हो रहा है, देख रहे हैं। ये देखिए 60 के ऊपर है, ये देखिए कप बनाई और 60 के ऊपर गई, यहाँ पर एक थोड़ा सा उठेगी और देन गिर कर देन बूम हो जाएगी मार्केट डेली में। ये गुड साइन है कि ये शेयर अब अच्छा खासा मार्केट में मूवमेंट लाने वाली है, सन फार्मा। तो आपको सबसे में याद रखना है फार्माटिकल कंपनी की, सन फार्मा ब्रांडेड कंपनी है और डेली में भी बूम। ये देखिए डेली में भी अच्छा सा एक रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट ब्रेक करेगी 950 का टारगेट आपको इजीली देगी, यहाँ पर आकर देगी 940 तो देगी, 950 भी देगी इजीली, बट आपको स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना है। तो इसका मैं टारगेट आपको डेली बता दूँ कितना होगा, यदि मार्केट किसी कारण से इसको ब्रेक करती है
तो हम लोग दिखा दे आपको, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ये देखिए 850 का स्टॉप लॉस यहाँ पर। मार्केट यदि किसी कारण से 850 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो आप 100% हो जाइए कि ये शेयर अब इंड है, यहाँ से ऊंचा नहीं उठ सकता, ठीक। तो पहला टारगेट आपको क्या मिलेगा, मार्केट यदि ब्रेक करती है तो आपको 950 का टारगेट मिलेगा, उसके बाद 1000 रुपये का टारगेट मिलेगा, लिख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ लेवल ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ही पीछे, बहुत दिन बाद मार्केट उठी है। देखिए डेली में भी मार्केट देख रही है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, क्या गजब का साइन है आप लोगों के लिए। इन्वेस्टमेंट टाइम, ग्रेट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को। अब मैं तो इन्वेस्ट करूंगा नहीं, अभी मैं इन्वेस्टर हूं नहीं, इन्वेस्टर आप है, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं। मैं आप लोगों को ये सजेशन कर सकता हूं कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट टाइम है। अब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हो ये आपके ऊपर टोटली निर्भर है। मैं नहीं बोलूंगा आपको इन्वेस्ट करने, आपको मैं ये बता दे रहा हूं कि ये अब अच्छा है, अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपके अनुसार आप क्या चाहते हैं, आपका कैपिटल, आप अपने पैसे से प्यार कीजिए, अपने पैसे को सेव कीजिए, अपने पैसे को डबल कीजिए, आपके ऊपर है। बस मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं बता दूंगा कि ये हो सकता है, प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, भगवान तो हूँ नहीं, प्रेडिक्शन ही कर सकता हूँ, तो बीच बीच में कॉमेडी थोड़ा होता है। तो 950 मिलेगा, उसके बाद आपको ये वीक वाला जो देख रहे हैं ये 950, ये 60 जाएगा। आस्ते आस्ते आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट ट्रायल करके चलते हैं। 921 में 854 का आपको स्टॉप लॉस दिया, कितना का स्टॉप लॉस हुआ, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बट आप लोग यूजुअली 100 पॉइंट ले चल सकते हैं ये डेली के अनुसार। तो इसका टारगेट आपको 50 पॉइंट मिलते चला जाएगा, और ये ग्रेट स्टॉक है फिलहाल के लिए। और RSI भी देखिए 60 को ब्रेक करने को चली है, जब जब मार्केट मंथली में 60 है, मतलब आप बेफिक्र इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा से इनकम कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हुई, या फिर क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, और क्या अच्छा लगा आप कमेंट कीजिएगा। तो मेरे को अच्छा लगा, मैं इसी टाइप से वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और वीडियो देखने के लिए शुरू से शेष तक आप लोगों को सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।